इन बादलों के पीछे मैंने हमेशा नीले आसमान को महसूस किया है। सिर्फ थोड़ी देर की आंख मिचोली होती है इन घने बादलों के साथ, और ये आसमान फिर खेल उठता है। दो, चलो, नो, नो, डैमी, 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 यू सो मीन। ओह गॉड, ओह माय गॉड, सुबह से पेपर से चिपकी हुई है और मुझे बताया भी नहीं। सरप्राइज सरप्राइज। क्या सरप्राइज? लेट सरप्राइज। लेट सरप्राइज? ये लेट रिएक्शन तो सुना था, लेट सरप्राइज पहली बार सुन रही हूँ। अब सुन लिया ना? तनु, काटना मत, हाँ अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने। शुरू कर दिया है काटना। Why does TJ Associates win this award every year? Because we are the best. Let's sell it for us. And all thanks to one person. Please put your hands together for Tamanna. Come on. Thank you. And also because of another person, please put your hands together for yours truly. I just don't want this night to end. I waited so long for this. Thanks, Dan. Mera saath dene ke liye. Jab maine apni choti si company shuru ki thi. Aur uske saath aaj tak jude rehne ke liye. Thanks for this award. Thanks to your guidance. Dinner kare? Mujhe to bhook nahi hai. Arre, Chinese hai. Aapka favorite. And it's supposed to be very good. Okay. All right. Chaliye. Ouch. Kya hua? Buddha ho raha aur kya? Ye to mujhe pehle se hi pata tha. Hey. तो ललित, आप अपना सॉन्ग किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? टू माय वाइफ नलिनी। ओह, हाउ रोमांटिक। नानिया, एक्चुअली आज सुबह मेरा और नलिनी का झगड़ा हो गया बिकॉज़ आई कॉल्ड हर फॉर अ मूवी और मैं खुद ही जाना भूल गया। और हाउ सैड। और मैं ये सॉन्ग उसे डेडिकेट करना चाहता हूं और सॉरी बोलना चाहता हूं। नलिनी, लव, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई लव यू। देखिए नलिनी जी, ललित रियली लव्स यू। प्लीज आप इन्हें माफ कर दीजिए। और आप दोनों के लिए ये स्पेशल सॉन्ग मेरी तरफ से। Wish you to all the best. Aur hamare baki listeners ke liye, have a great night. This is Tanya on Radio City FM 91 signing off. Shubhratri, Shabba Khair, Namaskara and good night. Rain shamshan ke upar ruki hui hai. Aur tabhi कंपार्टमेंट का डोर अपने आप खुलता है। बेल है यार। अबे साले, तू ही कहानी बता रहा था और तू ही डर गया। हे तनु, अभी हम सोचेंगे। चल चल, सरप्राइज देते हैं। चुप चुप। तेरे पास चाबी थी ना, तो बेल। कंग्रेचुलेशन। इतना अंधेरा क्यों था? करंट चला गया था। सैम एक हॉरर स्टोरी सुना रहा था। सैम, सुधर जा। मैं तो बस ऐसे ही। क्या यार तानिया, तू भी ना, बड़ी बहन को देखते शिकायत शुरू। तो पार्टी कब है? पार्टी तो हो गई और मेरा पेट भी भरा हुआ है। नो वे यार, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हमें भी रोज अवार्ड मिलते तो शायद हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। पार्टी 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 पार्टी। ओके ओके गाइस, यस इट इज ओके। जिस दिन मेरी फोटो बिजनेस टुडे के कवर पे आएगी
मैं तुम लोगों को पार्टी दूंगी। तानिया, क्या यार? ए सभी, क्या खोया है? बस एक मिनट। अच्छा। वेरी टैलेंटेड हो। साले कार्टून नेटवर्क। सैम भी स्पोर्ट। इज अ स्पोर्ट। इसलिए तो लोग उसके साथ खेलते रहते हैं। खेलो खेलो, पर आपकी अपनी लाइफ में क्या हो रहा है मिस रोजैन टॉर्च वाली? रोजैन इज एन अशर इन सिम्फनी फ्रॉम टुडे। वाओ, सारे पिक्चर्स फ्री में देखेगी? आई डोंट नो गाइस, मैं कब तक वहां हूं? कम ऑन रोजैन, नॉट अगेन। एटलीस्ट एक जॉब तो टिक कर, ज्वाइन बाद में करती है, पहले बोर हो जाती है। नो यार, नो फोन कॉल्स। अरे बाबा, निहारिका का फोन है। हाय सिरी। हाँ तमन्ना, मैसेज मिला? हाँ, मैंने कॉल बैक किया था। तो तू आ रही है ना? नहीं यार, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट दिस टाइम, बहुत ज्यादा काम है। तुम्हारी मर्जी। एनीवे, रोहित आ रहा है। व्हाट? एक्सक्यूज मी, क्या 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 बोला तुमने? रोहित आ रहा है। रोहित, रोहित, रोहित मनचंदा? हाँ हाँ। अगर ये झूठ निकला तुझे मैं मार डालूंगी। तो तू आ रही है राइट? तमन्ना, व्हाट्स हैपनिंग? इतने सालों के बाद, यू श्योर? यूएस में था, और जब आएगा ना तो बोल देना। क्या? वही जो कॉलेज के 3 साल में नहीं बोल सकी। निहारिका, शट अप। ओके, बाय, सी या। बाय। God. मेरा सॉन्ग उसका सीडी कहाँ है जोसेफ? गेट लॉस्ट। मैं सामान को आदत लगाना, टांगे तोड़ दूंगी। जोसेफ, हाँ? मैं हूँ तमन्ना। फिर तुम्हारे रूम का एसी खराब हो गया क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही। नो प्रॉब्लम, मेरा एसी ठीक है। हाँ, मैं यहाँ सो जाऊँ? श्योर। निहारिका का फोन आया था अभी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो गुरुजी का बर्थडे है। गुड, कब जाना है? मुझे लगता नहीं मैं इस बार जा पाऊंगी, बीएसए का बहुत ज़्यादा काम है। तो निहारिका को मना कर देना। इस बार रोहित आ रहा है। रोहित? रोहित मनचंदा? देन व्हाट आर यू थिंकिंग? बीएसए का अकाउंट है और सुबह मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऑफिस तो तुम रोज जाती हो, रोहित रोज नहीं आता। तुम्हें लगता है मुझे सुबह से बात करनी चाहिए? अभी फोन करो बुड्ढे को। तनु, तनु, 2 बजे तनु, लीव। छोड़ो, मैं कल बात करूंगी। नो, अभी उठाओ साले को नींद से, या हमारी नींद उड़ गई है। तनु, छोड़ो, बिहेव तनु। प्रॉमिस? मैं बात करूंगी, या कल, या सो एक्साइटेड, आई एम सो स्लीपी। And you're so boring. लेकिन तमन्ना, BSA Cycles का अकाउंट अगर हमारे हाथ से निकल गया तो इट विल बी वेरी वेरी ट्रैजिक। जब हमारे पास कुछ नहीं था वो लोग हमारे साथ थे। रिमेंबर, नॉट ओनली दे आर आवर फर्स्ट अकाउंट बट टिल डेट द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अस। मैं समझती हूँ सुबह सर, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है, और वैसे भी हमारी उनके साथ अगली मीटिंग नेक्स्ट फ्राइडे को है। वेल, व्हाटएवर यू फील लाइक। तुम ही उनसे डील करती हो, प्रेजेंटेशन करती हो, आई डोंट इंटरफेयर इन दीज थिंग्स। सुबुसा, सुबुसा, यू ट्रस्ट मी ना? ऑफ कोर्स आई डू। फिर आप टेंशन मत लो, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। Come on, Tam. Chal, have a great trip, okay? Thanks.
ऐसा नहीं है रोहित, अगर परमात्मा के नियमों में कोई भेद कोई मिस्ट्री नहीं रहेगा और परमात्मा ये भेद बनाए रखना चाहता है रोहित, जो तुम्हें नहीं मिला शायद तुम्हें चाहिए ही नहीं था, जो तुम्हारा दिल चाहता है मुझे यकीन है तुम्हें जरूर मिलेगा। तमन्ना क्यों खड़ी हो, आओ। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मैंने कहा था ना वो जरूर आएगी। और एक इसे देखो, जब यहां पढ़ता था तब क्लास से गायब रहता था और फिर जब गायब हुआ तो अब आया 10 साल के बाद। लॉन्ग टाइम रोहित, लॉन्ग टाइम। रोहित तुम कहो। नहीं नहीं तुम कहो। तुम यहाँ हर साल आती हो? हाँ, गुरुजी के जन्मदिन के लिए, लेकिन इस साल मैं। हाय टाइम। हे निहारिका। हाय। हाय निहारिका। हे रोहित, अब तो मुझे नहीं मारेगी ना? शट अप यार। आते ही उसे कूली बना दिया क्या? अब सॉरी। नो प्रॉब्लम। कब खेलने वाली है? निहारिका शट अप। व्हाट्स गोइंग ऑन? सारी स्टूडेंट्स मिलकर एक कैनवस पेंट करें गुरुजी के लिए। संजय देख कौन आया है। ए, रोहित, अरे कितने साल हो गए यार। हाय। ऑलमोस्ट फॉरगॉट योर फेस मैन, लेकिन तेरी गिटार की धुन अभी मेरे कानों में गूंजती है। कैसा है यार? गुड, मिस यू अ लॉट। लुक हू इज हियर, दिस इज रोहित। आप अब भी इनके कंपोज किए धुन प्ले करते हैं? वी स्टिल यूज देम यू नो। आप भी कुछ पेंट कीजिए गुरुजी के लिए। या दैट्स राइट। नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ यार पेंट कर दे। Sure. तू ही तो है। संजय सुन, गुरुजी आ गए। अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? आइए गुरुजी, ये आपके लिए। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। एक गाना हो जाए। क्या ऐसे क्या हंस रहा है? अब तेरी आवाज सुनने के लिए और 10 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या? 100 साल। वाओ गुड जोक। हे गाइस गेट अ गिटार यार। देख रोहित, अगर तू नहीं गाएगा ना तो मुझे ही कुछ। ओह माय गॉड रोहित, प्लीज सेव अस यार, प्लीज यार। यादों के जंगल से बह चली कुछ खिड़कियां, लम्हों की दस्तक पे खुल गई कुछ गीत पुराने, रखे थे सिरहाने कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई
याद है मुझे इरिटेट करने के लिए तुम कुछ बड़बड़ाई करती थी कभी कभार जब तुम्हारी याद आती है ताकि तुम जहाँ पे भी हो इरिटेट हो सको अब बोल के सुनाओ देखता हूँ इरिटेट होता हूँ कि नहीं After a long, long consideration, we come to the conclusion matriculation examination is a big, big botheration to the Indian nation. His main occupation is cultivation. One more time. After a long consideration, we come to the conclusion matriculation examination is a big, big botheration to the Indian nation. His main occupation is cultivation. Come on. Please, one more time. After a long consideration, we come to the conclusion matriculation examination is a big, big botheration to the Indian nation. His main occupation is cultivation. Thanks, Tamanna. क्यों? लास्ट पता नहीं कब ऐसा हंसा था मैं. लेकिन one more time, please. Shut up. Hi. How are you? Abstract, huh? Interesting. Thank you. Please, I don't want to disturb you. Hey. Hi. This is so beautiful. You haven't lost your touch, Niharika. Kabhi-kabhi aa jaati hu yaar, time pass karne ke liye. Wo yahan nahi hai. मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ मैंने बोला ना वो या नहीं है तो फिर कहाँ है उसकी पुरानी अड्डे तो तुम ही जानती हो ना क्या कर रही हो तुम छोड़ो I'm sorry but it looks better without the earring मुझे पता था तुम यही मिलोगे कुछ चीजें कभी नहीं बदलती कुछ चीजें कभी नहीं बदलती तुम हमेशा यहीं पर आकर गिटार प्रैक्टिस किया करते थे ना गुरुजी की काफी तमन्नाएं थी ना मुझसे तमन्ना आजकल क्या करते हो ज्यादा कुछ नहीं निहारिका बता रही थी कि तुम न्यूयॉर्क में थे जिंदगी कुछ साल न्यूयॉर्क में काट कर आया हूँ लेकिन मेरे ख्वाब तो जनाब यहाँ पे बैठ के और लेट मी कंप्लीट अच्छा बोलो क्या बोलना है आप यहाँ पे बैठ के ख्वाब देख रहे हैं और वहाँ पे सब लोग ढूंढ रहे हैं मैं भी तो किसी को ढूंढ रहा हूँ लगता है मुझे मिल गई हाँ तमन्ना तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है हमने कभी फोक थिएटर नहीं किया है ओके दैट्स सेटल्ड देन फोक थिएटर बैकग्राउंड स्कोर तो हमारा अमेरिकन रिटर्न म्यूजिक डायरेक्टर करेगा क्यों रोहित ठीक है ना कर लिया ग्रेट तो कल से शुरू करते हैं बाय द वे गाइस एक बात बताया तुम लोगों को ये रोहित है ना यू शुड बी वेरी गुड एट जिमनास्टिक्स जिमनास्टिक्स व्हाट नॉनसेंस अरे तुम लोगों को नहीं पता आर रोहित इज सो गुड यू नो अगर ये म्यूजिक के चक्कर में अमेरिका नहीं जाता ना तो इंडिया का ये ओलंपिक जिमनास्ट बनता यू डोंट बिलीव मी कम ऑन रोहित तू एक काम कर इनको वो समरसॉल्ट रूटीन दिखा दे हाँ चलो चलो इन्होंने देखा नहीं है कम ऑन
All right, guys, जरा जगह छोड़ो. हाँ, हटो, हटो, हटो. Yeah, come on, Rohit. Yeah, let's see. अब देखना. चलो देखते हैं, देखते हैं. Yeah, buddy, come on. Okay. One, yeah, two, come on. Three, four, five, six, seven, eight. All the best. Two somersaults, one twist. Yeah, yeah, yeah. Okay. Let's see. Amazing. बहुत आसान है. कम कर, आ जा. देखो. Somersault of the year. Yeah, right leg से start करना. You too. Thank God तुम्हारा music तुम्हारे somersaults की तरह नहीं है. यहाँ पे आके मुझे पता चला कि हम अच्छे really missed all of this. तो वापस जाने का इरादा नहीं है? जाना तो पड़ेगा कुछ दिनों के लिए. तो वापस आओगे? हमेशा के लिए? हमेशा के लिए. ग्रेट. मैं जानती थी. क्या? यही कि तुम वापस आओगे. History. Don't know much about biology. Don't know much about my science books. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. I love you, Tamanna. And if I know that you love me too, do you love me? What a wonderful world it would be. What a wonderful world it would be. What a wonderful. मेरी जिंदगी में तेरी बारिश क्या हुई. जीने के इशारे मिल गए पिछले दिन की.
खुश रहा करो, तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ। जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। और इसी नोट पे दिस इज तानिया ऑन रेडियो सिटी एफएम 91 साइनिंग ऑफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।
रोहित का नंबर, ग्रेट, मुझे बहुत भूख लगी है। सिर्फ आधा है। आधा क्यों दिया उसने, पागल है क्या? या ये बोलकर दिया कि बाकी आधा रिडल है, सॉल्व कर लेना। आधा बाथरूम में धुल गया। धुल गया? नहाने से पहले पेपर पे लिखा क्यों नहीं? अब मुझे क्या पता। कम ऑन, तुम्हें ये भी पता नहीं? गलती हो गई ना। तुमने अपना नंबर उसे नहीं दिया? निहारिका के पास होगा। जतिन। हाय। जरा प्रशांत और लीला को मेरे कैबिन में लेकर आना। लीला। गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। टैगलाइंस का है? लीला, प्लीज ट्राई एंड अवॉइड यूजिंग दीज क्लीशेज ऑफ रेशमी बाल और घने बाल। अगर हर शैम्पू से वही मिलेगा तो लोग हमारे क्लाइंट का शैम्पू क्यों लेंगे? हे जतिन, सुबह मैंने कुछ लेआउट्स वर्कआउट किए। आई वांट समथिंग लाइक दिस। टेक अ क्लोज लुक एट दिस। ओके, कलर स्कीम। हाय। हाँ प्रशांत, एक मिनट। या। ठीक है। ऑलराइट। ओके। यप। एनी क्वेश्चंस? नो। ओके। सो लेट्स स्टेप ऑन इट। वी हैव वेरी लिटिल टाइम। ऑलराइट। प्रशांत, वो बीएसए लेडीबर्ड हो रहा है। दिस इज नॉट डन। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे आने तक हो जाएगा। हाँ, पर प्रशांत, पीएसए वैसे ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो अपने सारे प्रोडक्ट्स दूसरी एजेंसी के पास ले जाए। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वो लोग ना जाए। ज़रूरत हमारी है, उनकी नहीं। आई नो, बट कितना टाइम और? एक दो दिन। एक दिन या दो दिन? दो। ब्रीफ की एक कॉपी मेरे टेबल पे रख देना। मैंने बोला ना टाइम, दो दिन। नो प्रॉब्लम। इन द मीनवाइल मैं देखती हूँ कि कोई आइडिया क्लिक करता है या नहीं, क्योंकि आई मीटिंग देम ऑन फ्राइडे। ऑलराइट? एज यू विश। हेलो। हेलो मूर्ति। लंच 8-10 महीने, मतलब हमारे पास बहुत वक्त है। तमन्ना, टाइम्स गोना फ्लाई। और बहुत बड़े बड़े एजेंसीज आ रहे हैं उनके पास, एंड उनके डिजाइंस और ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। पर आई एम कॉन्फिडेंट वी विल गेट इट। वी आर द बेस्ट, यू नो। Good morning, Subna. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. I'm so sorry. पता नहीं कब आग लग गई। Just go home time. नहीं नहीं नहीं, बहुत काम बाकी है। वो 4 दिन में मीटिंग है। दो दिन से तुम घर नहीं गई।
मेरे पास एक दूसरा चेंज है यहाँ पे, मैं अब भी चेंज करके आती हूँ. टैम, जस्ट लिसन टू मी, लंच के बाद आना, ओके? ओके. वन सेक. हेलो, आप मिस तमन्ना सानी हैं? या आपका कार्ड आपकी बहन की पर्स से मिला, उनका एक्सीडेंट हो गया है, अभी उन्हें मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आप प्लीज आकर डॉक्टर राज सिंह से मिलिए. Dr. Raisi? Over there. Straight? Yes. Dr. Raisi? Yes. Tamanna Sahni. Please sit. Meri behan. She's fine. Kuch serious to nahi hai na? Kuch serious nahi hai. Ek hairline fracture hai aur sar mein thoda sa swelling. Thank God she was wearing a helmet. I'd like to go and see her. Yes, please. Hi Tanya, how are you feeling now? Inspector, ये तमन्ना, Tanya की sister है. नमस्ते. मैडम, आपके सिस्टर की मोटरसाइकिल आपको पुलिस स्टेशन आकर लेनी पड़ेगी. जी. थोड़ा पेपर वर्क होगा. राइट मैम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. वो एक्सरे दिखाओ. 50 बार बोला है मैंने तुम्हें, स्पीड कम, स्पीड कम. क्यों नहीं सुनती तू मेरी बात? प्लीज टैमी. कुछ सीरियस हो जाता तो. प्लीज टैमी, आई एम ओके. अब रोना बंद करो. तू मुझे मत समझा. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. नॉट एट ऑल. एक्सरेज और प्रिस्क्रिप्शन है, मेडिसिंस मंगाने पड़ेंगे. जी. या बाय द वे, काफ पे एक वेन कट गई थी तो ब्लड देना पड़ा. पॉलिसी है कि आप उसे रिप्लेस करें, हो सके तो बी पॉजिटिव. मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है. दैट्स गुड. Yeah, Jatin. I should be there in 30 minutes. Oh, God. Ready in 5 minutes. So am I. Arey, ye Sada ko bol dena time se printer ke cartridges to order kiya kare. Okay, sure. Waste of time. Oh, God. Great timing. Hello? Hello? Dr. Rai Singh? Tamanna? Ji. तमन्ना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तुम आ सकती हो? तानिया ठीक तो है ना? तानिया? ओह या, शी इज़ फाइन. तुम जब भी आओ पहले आकर मुझसे मिलो. दे आर वेटिंग. मैं इधर ही हूँ. ओके? लेकिन तानिया, शी इज़ फाइन. तुम बस मुझे आकर मिलना. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. ओके? जी. थैंक्स. बाय. वो टेस्ट का रिजल्ट जो रिकन्फर्मेशन के लिए भेजा था, क्या हुआ? प्रशांत, वन मिनट. या? मुझे हॉस्पिटल जाना है अर्जेंटली. पहली मीटिंग के लिए तुम बीएसए चले जाओ प्लीज. जैसे तुम बोलो. एंड डोंट वरी, दे 99% कन्विंस्ड. ओके? बस ये वहां जाकर प्रेजेंट कर देना. ऑलराइट. मैं तानिया को घर पहुंचाकर तुम्हें फोन करती हूं. ऑलराइट? समंदा, कब आओगे? क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो मैं पूछ रही हूं, क्या हुआ? किस बारे में बाबा? कि क्या हुआ? 214 में किसी का बेटा हुआ है, नर्स बता रही थी. थोड़ी सी बारिश भी हुई है आज, और टीवी में बता रहे थे कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. बस इतना ही, और कुछ नहीं हुआ. तनु, डोंट एक्ट स्मार्ट. डॉक्टर राय सिंह ने मुझे यहाँ पे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? मेरा नाम तानिया राय सिंह है क्या, जो मुझे पता होगा? मैं तो यहाँ पे अपना बैग पैक कर रही हूँ. सुबी और रॉस आ रहे हैं मुझे लेने के लिए. मैंने सोचा तुम मुझे लेने आई हो. एनीवेज, मुझे डिस्चार्ज करने के बाद तुम वापस ऑफिस चली जाना, ये लोग मुझे घर ड्रॉप कर देंगे. ताना मार रही है? हाँ, इतने दिनों में तुम मुझे देखने कितनी बार आई? तनु, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ बेबी. तुम्हें पता है ना ऑफिस में कितना काम है? हाँ पता है, पता है. तुम्हारे बुढ़े सुबू ने भी फोन किया था. कैसे हो बेटा? हाउ आर यू? गेट वेल सून. तनु, दैट्स वेरी वेरी मीन. मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ, फिर घर चलते हैं. ओके? आई विल बी बैक. टैमी. हाँ? तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना इस स्टूपिड एक्सीडेंट के लिए? Tanu, I just wanted to say I'm sorry. Don't act like a jhalli. मैं कोई गुस्सा-वुस्सा नहीं हूँ, okay? मुझे लगा इसीलिए तुम मुझे मिलने नहीं आई.
आई एम सॉरी तनु, वो बीएसए का इतना बैकलॉग था, उसके खत्म होते ही ना वी गो फॉर अ लॉन्ग हॉलिडे. प्रॉमिस? प्रॉमिस. अब मैं जाऊं डॉक्टर राइसिंग से मिलूं, घर भी तो जाना है, फिर घर जाके बहुत बात करेंगे. ओके जी, आपको मुझसे बात करनी थी. आई एम सो सॉरी आई एम लेट. डॉक्टर, आपने जो तानिया की देखभाल की, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू थैंक यू. मैं तानिया को लेकर जा सकती हूँ ना? तमन्ना, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनना. तानिया, उसे कुछ... शी इज परफेक्टली फाइन. तुमने जो ब्लड दिया था, हमने लैब भेजा था टेस्ट करने के लिए, जैसे कि हम सबके साथ करते हैं. यूजुअली टेस्ट के रिजल्ट पेशेंट्स को बताने की ज़रूरत नहीं होती, बट आई जस्ट फेल्ट यू शुड नो. वो ब्लड HIV पॉजिटिव निकला. तमन्ना, आई एम सॉरी, तुम्हारी परमिशन के बिना मैंने एलाइजा टेस्ट भी करवाया रिकन्फर्म करने के लिए, वो भी पॉजिटिव निकला. हाय अंकल. तमन्ना बेटा, तुम्हारे मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी कार एक खाई में गिर गई. तमन्ना, लेकिन ये मत समझना कि तुम्हें एड्स हुआ है. वायरस अभी बॉडी में फैलना शुरू नहीं हुआ. तुम चाहो तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी करवा सकते हो. तमन्ना, मैं चाहूंगी कि तुम किसी काउंसलर से मिलो, ये शौक से निकलने में हेल्प करो. और हाँ तमन्ना, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा पहले से ज्यादा. She's okay. Come on, let's go. I'm driving. क्या हुआ इतना चुप चुप? वहां तो कह रही थी घर चलकर बात करेंगे. बीएसए का टेंशन है. मैं भी कितनी इडियट हूं ना, तुझे इतनी टेंशन है और मैं बेकार की बातें करती हूँ. टैमी, एचआईवी, टैमी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हो गया? कभी इससे पहले खून नहीं लिया, कोई इंजेक्शन,
हाँ, एक स्पेशल लड़की थी और उसकी खासियत ये थी कि मेरे साथ साथ उसकी जिंदगी में 9 लड़के थे। You know, you don't even have to say that I love you when you're in love. छह पहरे हो चुके हैं, साथ वालों की मेरे साथ। Come on, be original. Say yes. रोहित, सिर्फ आज तक मैं अपने सपनों में देखता आया हूं। पर निहारिका, लास्ट टाइम रोहित का फोन तेरे पास ही आया था ना? हाँ, रोहित के जो भी नंबर्स मेरे पास थे मैंने सब पर ट्राई किया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके जो भी फ्रेंड्स यहाँ हैं मैंने सबसे पूछ लिया पर किसी को कुछ पता ही नहीं। He is untraceable. ओके निहारिका, प्लीज ट्राई कर। श्योर तानिया। थैंक्स। We're sorry, your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial it. Tammy. Hello? Hello? Yes? Could I speak to Rohit, please? टाइम ने कुछ खाया? नहीं। या हेलो, इज रोहित देयर? आई एम सॉरी, दैट्स अ रॉन्ग नंबर। हमारी अगली लिसनर ने तो ईमेल भेजा है पर अपना नाम नहीं। ये लिखती है कि इनकी सिस्टर आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उस वजह से बहुत चुप चुप रहती है। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, तानिया इज हियर फॉर यू विथ अ मैजिक वॉन्ड और वो जरूर आपकी सिस्टर से रिक्वेस्ट करेगी। डियर सिस्टर, वो आपको बहुत प्यार करती है और दुखी नहीं देख सकती, इसीलिए ये सॉन्ग आपके लिए प्ले करना चाहती है। खुल के मुस्कुरा ली तू
टैमी, तेरी पिक्चर बिजनेस वे की कवर पे। गुड मॉर्निंग। क्या? कुछ नहीं। आई सी यू इन द इवनिंग। तनु, बिजनेस टुडे के कवर पे आने के लिए मुझे टाइम लगेगा? नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाय। यस, ये हाय लीला। मॉर्निंग सपना। I'm the creative head. May I help you? I guess I'll have to help myself. TJ, I don't think this copy works. तमन्ना, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरे कैबिन में कौन है? उस कैबिन में अब सुरेश है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? बीएस अकाउंट अपने हाथ से जाते जाते बचा। मैं अपने डिजाइन्स प्रेजेंट कर चुकी थी। आई थिंक वे वेरी इम्प्रेस्ड। डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन सो प्रशांत ने की थी, तुमने सिर्फ डिस्कस किया था। क्या फर्क पड़ता है किसने प्रेजेंट किए? डिजाइन्स तो मेरे थे ना, मेरे काम की वजह से उनका अकाउंट यहाँ है। ऐसे तुम सोचते हो, बट दे वर वेरी वेरी अपसेट। तुमने उनका मीटिंग तक अटेंड नहीं किया। पहले टेनिया का एक्सीडेंट,
फिर उसके बाद में तुम्हारी पर्सनल हेल्थ आई और कंपनी ऑलमोस्ट लॉस्ट द बीएसई अकाउंट. बिजनेस नीड्स डिसिप्लिन तमन्ना. मेरा काम अप टू डेट था सर. बाकी डिटेल्स तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर एक्सप्लेन कर देगा. It was nice working with you, sir. सर जी मैं बर्बाद हो गया. इन इंश्योरेंस वालों ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया. अगर एक भी दिन प्रीमियम देर से भरो तो ये लोग गर्दन दबा देते हैं. और अब ओके थैंक यू मिस्टर योगी. सर इस टिम्बर मार्ट के सिवाय आपका कोई और धंधा है? नहीं सर, अगर होता तो मेरे हालात इतने बुरे नहीं होते. आपसे जो सवाल किया है सिर्फ उसी का जवाब दीजिए. थैंक यू सर. सर जले हुए टिम्बर के राख के साथ आपने क्या किया? योर ऑनर, I object. Yeah, is this a joke? Mr. Anand. Of course, sir. Just give me a moment. I'll be back. Thank you. Here you go. That's for you. Mr. Yogi. क्या आप ये पहचानते हैं? Ah, very good. Sir, this is a receipt from Sudha Foundries for a ton of coal purchased from our very own Mr. Yogi. Who are ye, sir, ki... टिम्बर के जलने से जो कोयला निकलता है वो कोयला मिस्टर योगी ने सुधा फाउंड्रीज को बेच दिया और कोयले का भाव टिम्बर के भाव से कई ज्यादा था. हेंस माय क्लाइंट इज नॉट लायबल टू पे मिस्टर योगी अ सिंगल पेनी. सॉरी योर ऑनर, माय क्लाइंट वुड लाइक टू विथड्रॉ द केस. आ वेरी गुड डिसीजन. थैंक यू योर ऑनर, हैव अ वेरी गुड डे. लेट्स गो. यस सर, आई गेट इट. थैंक यू, बाय. Hi, Tarun. Hello, Divya. And how are you? Hi, Tarun. I'm fine. Hi, Kalpu. We're still meeting for coffee? Yeah, sure. Well? Well? And? Oh! Kya hua? Tum kya samjhti ho? Oh, I'm so sorry. Better luck next time. Kya yaar, main jeeta hoon. What? What is this, man? Oh, great. Congrats. Yeah, thank you. Tarun, tum jeete ya hare? Oh, nahi kya? No problem. I'm a good lawyer. Congrats. No, congrats. I'm a good lawyer. Congrats. Have some faith. Pata nahi is office mein sab log mere peeche pade hain yaar. I won. Well. Hmm? So? Tamanna Sahni. Yes. अंदर आधे घंटे से. Oh shit. do me a favor, babes. दो कप कॉफी भिजवा देना, okay? Thank you. रोजान ने आपसे मेरे हाँ रोजी ने बताया था कि please sir. जी. That's fine. Yeah. Filing cabinet मंगाया. तो रोजी कह रही थी कि आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुआ था. जी. Come in. उसी सिलसिले में मैं आपसे coffee. Will you have some coffee? Yeah, sure. Good. Let's put this away. Thank you. Oh, thank you. Right. आप जहाँ काम करी थी आपको वहां से बेवजह निकाला गया, करेक्ट? जी, टीजे एसोसिएट्स. मैं उन पर केस करना चाहती हूँ. उनका कहना है कि मैं अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रही थी. राइट. उन्होंने लिखा है इनकॉम्पिटेंस, लापरवाही. और आपका क्या कहना है? क्योंकि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं. एक्सक्यूज मी, एचआईवी पॉजिटिव?
You have AIDS? No. AIDS is a different stage. जब तक HIV virus blood cells पर attack नहीं करता, body में सोता रहता है। तब तक। So AIDS कब तक हो सकता है? कल भी हो सकता है, 15-20 साल भी लग सकते हैं। बस depend करता है कि आप अपना किस तरह ख्याल रखते हैं। Medication. Hold on. Miss Sunny, you get your point. आपके बॉस का कहना है कि उन्हें आपको काम से निकाला क्योंकि आप काम ठीक से नहीं कर रही थी, लेकिन आपका कहना है कि उन्हें आपको इसलिए निकाला क्योंकि you're an AIDS patient? HIV positive. HIV. तो उन्हें आपको इसलिए निकाला क्योंकि वो एक HIV patient अपने ऑफिस में नहीं चाहते थे, right? हाँ, इसीलिए मुझे निकाला गया. Mr. Anand? Miss Sahani, I'm a corporate lawyer. ये तो एक employment case है. This is not my field or expertise. मैं आपको बस यही suggest कर सकता हूँ कि आप किसी specialist. जी. आपसे पहले 11 lawyers ने भी मुझसे यही कहा था. Anyways, thanks for your time. Just relax, यार. क्या relax यार बंटी? मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठी थी 3-4 फीट की दूरी पे. मेरा हाथ छुआ उसने, कॉफी थमाया मुझे. She was breathing on me. Okay, your BP is very much normal. और फिर यार ये AIDS virus, HIV virus तो सिर्फ blood और हाँ पता है. Blood, bodily fluids like semen, etc. स्कूल में ध्यान दिया था मैंने. लेकिन डर गया था यार. Just want to make sure. But why? देख, ना छूने से, ना साथ बैठने से, ना सांस लेने से और किस करने से भी नहीं. हाँ हाँ, अगर तेरे पास्ट में कुछ है जो तुझे बॉदर कर रहा हो. ये क्या है? क्या ये? तेरा ब्लड ले रहा हूँ टेस्ट के लिए. HIV टेस्ट? बंटी, तू मुझे स्कूल से जानता है, प्लीज. इसीलिए तो. शट अप. अच्छा, कभी ड्रग्स लिया है इंजेक्शन से? कोई प्रोस्टिट्यूट, call girl? Thanks a lot, buddy. I'll see you at dinner. किसी अनजान लड़की के साथ सेक्स कॉन्डम के बिना? Hello? Tarun, Roseanne, are you free? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ. Rosie, तुम्हारी फ्रेंड. आई नो, पर रोजी. नहीं तरुण, गलती मेरी है जो मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया. How could you do this? एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो. Like my opinion about you was wrong, पर मैं तमन्ना को अच्छी तरह जानती हूँ और वो कभी हार नहीं मानेगी. Anyway, she doesn't need your help. It is arbitrary, unjust and unlawful to dismiss a person who is fit to work. And further, Article 21 of the Indian Constitution upholds the right to earn a livelihood as long as one is medically fit and capable of performing the duties as ruled in G versus NIN Limited. पिछले 5 साल में JH Industries ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए कितने बार अप्लाई किया है और उनके फैक्ट्रीज में फायर प्रिवेंशन के कंडीशंस क्या हैं? तुझे क्या लगता है कि JH Industries वालों ने जानबूझकर अपने गोडाउन में आग लगाई इंश्योरेंस के लिए? अरे मैं तो कहता हूं JH Industries में हमेशा आग लगी रहती है. Let's work. Okay, boys, cases are Kamani Industries versus National Insurance, KGB Mills versus Indian Underwriters, and ruling by Supreme Court given in Khanna Shoes versus National Insurance Company. Okay? कैरी ऑन में आता हूं. ओके. एक
excuse me. Hmm? Oh, sorry. Sorry. Thanks. मुझे लगा मिलेगा ही नहीं. Excuse me. Tamanna Sahni, right? Yeah. कोई lawyer मिला? हाँ. कौन? Tamanna Sahni. Hmm. मोर्चा खुद संभालने की कोशिश. Good. अब लड़ना है तो लड़ना है, चाहे खुद ही लड़ना पड़े, उतना हक तो है ना. आप जल्दी सीख लेती हैं. टीजे एसोसिएट्स जो लॉयर लाएंगे उन पे तरस खा रहे हैं ऑलरेडी. आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर आनंद? थोड़ा सा. मुझे मालूम है कि मैं बेवकूफ की तरह लगी पड़ी हूँ ये सब कुछ सीखने में, लेकिन क्या करें, आजकल के लॉयर्स को कन्विंस करना आसान नहीं है. Speaking out of personal experience. Miss Sahni, आपका केस मैं लड़ना चाहूंगा. If you agree, that is. मैं HIV related cases के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ. ये मेरा पहला ऐसा केस होगा. लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ who can guide us. Really? Yeah. मैं उनसे बात करना चाहूंगा. I have to go. मेरी hearing है. लेकिन I'll be in touch. You take care. Okay? Yeah. All right. Thanks. Bye. Oh, your phone. Rosie से ले लूँगा. Okay. रोजान का दोस्त तरुण. वॉल्यूम टैमी, वॉल्यूम. तरुण मेरा केस लड़ने के लिए तैयार है. क्या बोला? मैंने क्या बोला? तुमने अभी कुछ बोला, रोजान का फ्रेंड केस लड़ने के लिए तैयार है. मुझे आई हुई इतनी देर हो गई, तू मुझे अब बता रही है? सॉरी यार, गलती हो गई. नॉट फेयर. वहाँ चुपचाप बैठी है. I'm so happy. Thanks. और क्या हुआ, उसने क्या कहा? मेरा झूठा है बाबा. तो मुझे HIV की इन्फेक्शन हो जाएगी. तनु शट अप, कुछ भी बोलती है तू. यू शट अप टैमी. पहले खुद अपने आप से डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट करना. लाल सर कहते हैं सब उनको. यहाँ नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ाते हैं. पहले अमेरिका में शर्मन एंड स्टर्लिंग में प्रैक्टिस करती थी. वहाँ पर उन्होंने एक एज रिलेटेड केस भी लड़ा था. हाय लाल सर. तरुण, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? वेल, अपने बॉस के पास परमिशन लिया? सत्संगी? हाँ. देयर इज नो प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंड टू दैट इंश्योरेंस केस? आई डोंट थिंक दे गोना मिस मी. ओके, कम. सर, आई थॉट वी'ड गो इन माय कार. यू नो अबाउट मी. Oh, sir, I've just bought it. It's new. I want you to ride okay, it. Okay, my wishes. Just come with me. Come. Come on. I bet you it won't start. Let's go. Uh-oh. You have to push. Knew it. Ready? Yeah. Okay. Here we go. Try it now. Yeah. Try it again. There we go. Thank you. पर तुमने तमन्ना साहनी का केस लिया क्यों? बताना जरूरी है. हाँ भाई, ये तो मुश्किल केस है. यू नीड टू बी क्लियर एज टू व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग इट. सर, मैं एक लॉयर बना था लोगों की मदद करने के लिए. लेकिन इन 2 सालों में बड़ा फर्म, बड़े बड़े केसेस, इन सब में उलझ गया था. तमन्ना रोज कोर्ट में आती थी, कोई उसका केस छूना ही नहीं चाहता था.
She was determined to fight by herself. ये सब देख के मुझे एहसास हुआ कि this is why I became a lawyer. If I can't help people like Tamanna Sahni, then what's the point? If you feel so strongly about it, तो फिर पहले केस लेने से मना ही क्यों किया? Sir, she's HIV positive and I. ये सोच के कि कहीं तुम्हें उससे इन्फेक्शन ना हो जाए तो फिर तुम्हें मेरे साथ इस कार में भी नहीं बैठना चाहिए. I had a client who was an HIV patient. मैं उससे हाथ मिलाता था उस... Sir, please. I'm sorry. Don't get serious. I'm just pulling your leg. I think they're long enough, sir. Okay. Ground one. वो कहती है उसे इसलिए निकाल दिया गया because she is HIV positive. Right. Okay. Ground number two. She says she is still competent enough to work. Precisely. Right. Her job profile? So she's one of the... was one of the highest salaried persons in the company, creative head of the department. Jo bhi account wo leti hai, uske revenue ka profit sharing. In that case, she can't take TJ Associates to court. No. Mm-hmm. What? एक रास्ता है. जजेस को पावर होता है ऐसे केसेस लेने का जो किसी रिटन लॉ के अंडर फाइल नहीं किया जा सकता. हाँ, बट ओनली दे फील कि ये केस कोर्ट में ले जाने के लायक है, अदरवाइज सिर्फ यही एक रास्ता है. अच्छा, एक ही रास्ता है, नहीं तो कंफ्यूजन होता, इस पे जाए या उस पे. और एक बात तमन्ना, जब ये केस कोर्ट में जाएगा और अगर जाएगा तो टीजे के लॉयर्स तुमसे हर तरह के सवाल पूछेंगे तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में, जिनका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा. इसलिए एक बार और सोच लो. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. जिस दिन सुबह ने मुझे निकाला उसके अगले दिन इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया था. मैंने जितना काम भी ऐसे के लिए किया था उसका सारा क्रेडिट सुबह ने उसने एक क्रिएटिव डायरेक्टर को दे दिया. और आप मुझसे कह रहे हैं कि वो मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेंगे? मेरी पर्सनल लाइफ, जिसमें मैंने रात रात भर जागकर घर पर अपने ऑफिस का काम किया, जिसकी वजह से मेरी कोई सोशल लाइफ ही नहीं रही. नो फ्रेंड सर्कल. यहां तक कि तान्या की वो छोटी छोटी खुशियों में भी शामिल नहीं हो पाई जिसमें वो मुझे मिस करती थी. ये सारी मेहनत, सारे सैक्रिफाइसेस मैंने किस लिए किए? मैंने खुद अपने लिए किए, क्योंकि यही मेरी जिंदगी थी. माय प्रोफेशनल लाइफ वाज माय पर्सनल लाइफ. दैट वाज माय ओनली लाइफ. मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर लाल, अगर कोई आपसे आपकी जिंदगी छीनने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? जो गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है कोर्ट में काम आएगा, अगर अंदर ही रहा तो. सोसाइटी ने नया दूध वाला रख लिया क्या? शट अप, नीचे पड़ा हुआ था. थैंक्स, कम इन. लाल सर ने फोन किया था, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट्स हैं. सुबह सर से आज तक
जो भी रेम्यूनरेशन मिला है उन सब का अकाउंट है इसमें। लाल सर यहीं थे, सुबह निकल गए होंगे, कॉलेज जाना पड़ता है। लाल सर रात भर यहीं थे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। पता है जब सुबह सर और मैंने टीचर एसोसिएट शुरू किया था तो ऐसे ही रात रात भर तक काम किया करते थे, बस हम दोनों, एक प्यून और कॉफी का थर्मस। मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह सर जेरोक्स खुद किया करते थे, तब तो सेकेंड हैंड मशीन हुआ करता था हमारे पास, पता नहीं कहाँ से उठा कर लेके आए थे। रात तक मशीन की इंक की वजह से उनके हाथ काले हो जाते थे, यू नो। सर मैडम कल्याणी जी। हाय कल्याणी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। यू'ड बेटर बी टीजे, मुझे कोर्ट पहुंचना है। कॉफी चाय एनीथिंग फॉर यू कल्याणी? मुझे कोर्ट पहुंचना है टीजे। आज सुबह तमन्ना के लॉयर से लीगल नोटिस आया है, रॉन्गफुल टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। लिखा है कि हमने तमन्ना को इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसे एड्स है, उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। मैं टीजे नहीं जानते थे, ये बात हमेशा याद रखना। इस नोटिस के मिलने से पहले तक तुम्हें पता ही नहीं था कि वो HIV पॉजिटिव है, और यही बात अपने सारे स्टाफ को भी समझा दो। तमन्ना की बीमारी के बारे में ना किसी को पता था ना पता है। कल्याणी, दिस कंपनी इज माई लाइफ। मुझे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, एक एक डिटेल, जितना पता चल सके उतना, छोटी से छोटी बात। नर्वस? मी टू। हेलो टीजे, congratulations on the new book. Oh, thank you for reading it. Hello, Mr. TJ. Thank you. I hope to settle the matter among ourselves today. The plaintiff and the defendant can discuss this personally with me if they want to, without their attorneys. I don't mind. Huh? Me too. Kalyani? And you? Mr. Subramaniam, she wants her job back. आपका क्या कहना है? Sir, वो नामुमकिन है। तमन्ना, he doesn't want you back on the job. लेकिन sir, तमन्ना को मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। वैसे उनकी सेटलमेंट ड्यूज हम क्लियर कर चुके हैं, पर फिर भी मुझे उनके पैसे नहीं, मेरी जॉब चाहिए।
और साथ में एक लेटर जिसमें लिखा हो कि मेरी टर्मिनेशन एक मिस्टेक थी एंड दैट आई एम कॉम्पिटेंट टू वर्क. आई एम सॉरी तमन्ना, मैं वो झूठ बोल नहीं सकता हूं. तुम अपने काम में लापरवाही करती थी, तुम अपना काम ठीक नहीं करती थी. तो फिर आप यही बात कोर्ट में बोलिए गीता पर हाथ रखने के बाद. जरा मैं भी देखना चाहूंगी. केसेस एसी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. हाँ. एक्स वर्सेस हॉस्पिटल रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. हाँ गुड. आई हैड अ गुड टीचर. हे नेक्स्ट डॉक्टर राय सिंह एमबीबीएस from All India Institute of Medical Sciences in 1986. Let me see that. Can I see the list of witnesses? Right, sir. Excuse me. Hello? Nisha ka phone hoga. Kahin wait kar rahi hogi bichari. Saab usko lunch pe bula ke bhool gaye. So sorry, man. Lal sir. Hello? Nisha. Aa gaye. Kya hua, Tanu? Sorry, sir. Wo Nisha ko lunch ke liye milna tha, bhool gaya. आप लोग हंस रहे हैं? मेरी हालत खराब हो रही है. She doesn't want to see me again. I'll be dead. I don't blame her. Do you? Neither do I. मैं उसकी जगह होती तो यही करती. और अगर आप उसकी जगह होती तो मुझे क्या करना होता? एक डजन लॉन्ग स्टेम रोज़ेस, कैंडल लाइट डिनर और शायद और भी है. Of course. अपने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ती है आपको. Okay, okay, guys. Let's get back to work. Let me see the list of witnesses. Tamanna, ये लिस्ट उन लोगों की है जो कल्याणी टीजे की विटनेस बना के कोर्ट में पेश करेगी. Did you get it? तरुण कब से इंतजार कर रही हूँ. सॉरी यार, अजॉइनमेंट मिला कि नहीं? हाँ, ये लो. मेरे लिए. This is so beautiful. Thanks. हाँ, या निशा को भी देना. बैंगलोर में रोजेस की कमी है क्या? नहीं, जेब में पैसों की कमी है. सॉरी. जाते जाते ना स्पोर्ट्स शॉप में रुकना. हाँ, स्पोर्ट शॉप. हाँ, नी पैड्स खरीदने ताकि घुटने ना छिल जाए. ऑल द बेस्ट. हाँ, या वेरी फन. ओके बाय. अब जाने के लिए गाड़ी है? हाँ. कैन आई बोर्ड माय कार? ब्रोक डाउन. क्या? प्लीज तरुण. प्लीज इनकॉरिजेबल. ओह कम ऑन, यू शेमलेस. तरुण. ओए तरुण. ए तरुण, गेट अप, गेट अप. कॉफी. डोंट फॉरगेट, हाँ, तुम्हारी अगेंस्ट में कल्याणी है. वो जब स्कूल में थी तब बस एक्सीडेंट में शी लॉस्ट हर राइट आर्म. उसके पेरेंट्स ने बस कंपनी पर नेग्लिजेंस का केस किया और हार गए. वो कल्याणी आज इंडिया के टॉप लॉयर्स में से एक है. तुमने तमन्ना को अपने साथ काम करने का ऑफर क्यों दिया? Well, I thought शायद उसमें टैलेंट है और. नो 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 टीजे, जब तमन्ना का लॉयर तुमसे ये पूछेगा तो उसे रिप्लाई कॉन्फिडेंटली देना. और जब तक मैं ना कहूं झूठ मत बोलना. इसलिए कहो क्योंकि तमन्ना टैलेंटेड थी, मैंने उसका काम देखा था. नाउ तुमने तमन्ना को अपने साथ काम करने का ऑफर क्यों दिया? तमन्ना वाज अ टैलेंटेड गर्ल और. अगर टैलेंटेड थी तो अचानक इनएफिशिएंट कैसे हो गई, जिस वजह से आपने उसे जॉब से निकाल दिया था? वेल, जब उसे ऑफर दिया था तो ये सोचा था कि शी विल डू हर बेस्ट. लेकिन क्या मिस्टर सुब्रमण्यम, जो अवार्ड्स तमन्ना ने आपकी कंपनी के लिए जीते वो लेकिन, या वो क्लाइंट्स जो वो आपकी कंपनी के लिए लाई वो लेकिन, प्लीज एक्सप्लेन टू द कोर्ट. अवार्ड्स कंपनी के टीम वर्क का रिजल्ट थे, तमन्ना ने उन पर अकेले काम नहीं किया था. और फिर भी आपने सिर्फ तमन्ना को प्रॉफिट्स का हिस्सा दिया, पूरी टीम को नहीं. दैट वॉज देन. तमन्ना तब काम करती थी. बीएसए मिलने के बाद वो कॉम्प्लेसेंट हो गई और उसके रिजल्ट्स पुअर. गुड, मेंटेन द स्टोन इन कोर्ट. कल्याणी, मुझे एक एड्स पेशेंट को अपने ऑफिस में नहीं रखना है. दिस हैज नथिंग टू डू विद हर हेल्थ और एबिलिटी.
It's a reflection of her character. अरे वाह, क्या बात है! आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? कितनी जल्दी तैयार होके बैठ गई! आज केस का पहला दिन है ना? दही चीनी। क्या है तनु? याद है मॉम हम दोनों को एग्जाम्स के लिए भेजने से पहले दिया करती थी, गुड लक के लिए? शायद आज सच में सूरज पश्चिम से निकल आए और तुम्हारी सारी खुशियां फिर से वापस आ जाए। Please introduce yourself. I am Suresh Mutharna, CEO of Megan Cosmetics. Thank you. 1999 में तमन्ना सानी ने आपकी कंपनी के लिए एक एड कैंपेन डिजाइन किया था। टीजे एसोसिएट्स ने हमारे लिए एक एड कैंपेन डिजाइन किया था और उस टीम के हेड तमन्ना सानी थी। That's right. आपको तमन्ना सानी के डिजाइन्स कैसे लगे? ठीक थे। ठीक थे या बहुत अच्छे थे? ठीक थे। मिस्टर मुतन्ना, जब मैं आपके पास आया था इस केस के सिलसिले में और आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक विटनेस बने, आपने तमन्ना सानी के वर्क के बारे में ये कहा था, तमन्ना सानीज वर्क वाज आउटस्टैंडिंग। 3 महीने में आउटस्टैंडिंग से ठीक हो गया? ऑब्जेक्शन, हियरसे सस्टेन्ड। मिस्टर सिन्हा, तमन्ना सानी के कैंपेन के बाद आपकी कंपनी JNM के सेल्स 56% से इंप्रूव हुए थे As per your annual report. पर सिर्फ कैंपेन की वजह से यह इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, और भी काफी सारे फैक्टर्स थे। ओके, थैंक यू मिस्टर सिन्हा, योर विटनेस। मिस्टर सिन्हा, क्या यह सही है कि आपका कैंपेन प्लान मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम ने सुपरवाइज किया था? जी, किया था। यानी कि जो कुछ भी तमन्ना सानी कर रही थी वो सब कुछ मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम सुपरवाइज कर रहे थे, राइट? राइट। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि तमन्ना सहनी सिर्फ मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी और उस कैंपेन के पीछे, उन आइडियाज के पीछे जो दिमाग और टैलेंट था वो मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम का था? आई ऑब्जेक्ट, लीडिंग ओवररूल्ड, आंसर द क्वेश्चन। कैंपेन मिस्टर सुब्रमण्यम के आइडियाज का ही नतीजा था, तमन्ना सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। थैंक यू मिस्टर सिन्हा, नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। अब ठीक लग रहा है? अब मेरे और कोई विटनेस नहीं बचे। तो उनके साइड की यूज करना। कभी कभी मुझे डर लगता है, तमन्ना के सारे होप्स इस केस पर हैं, मुझ पर हैं। डर लगता है तो अच्छा है, यू विल डू योर बेस्ट। जो डिजाइन्स BSA के अप्रूवल के लिए गए थे, क्या वो आपने बनाए थे? नो। इसका मतलब है कि जो डिजाइन्स आप प्रेजेंट करने गए थे वो किसी और के थे, तमन्ना के? जी नहीं, वो डिजाइन्स हमारे नए क्रिएटिव डायरेक्टर मिस्टर सुरेश संतानी के थे। मिस्टर माथुर, सुरेश संतानी ने टीजे एसोसिएट्स को 18 जून 2003 में ज्वाइन किया था। ये डिजाइन्स 20 मई 2003 को अप्रूव किए गए थे। मिस्टर समतानी के अपॉइंटमेंट लेटर का कॉपी ये है, दैट्स फॉर यू। मिलॉर्ड, मिस्टर सुब्रमण्यम ने मिस्टर समतानी को उनकी अपॉइंटमेंट के पहले ही ये असाइनमेंट सौंप दिया था क्योंकि काम जरूरी था और मिस तमन्ना सानी उसे ठीक से नहीं कर पा रही थी। ऑलराइट।
मिलोर्ड, और ये उस लेटर की कॉपी है जो बीएसए ने टीजे सोर्सेस को भेजा था, डेटेड 20th of May 2003। इसमें बीएसए के मार्केटिंग हेड ने ये मेंशन किया है कि तमन्ना सानी की डिजाइन जो उन्हें प्रेजेंट किए गए थे उन्हें काफी अच्छे लगे थे। वो लिखते हैं, we would like to let you know that the designs presented by Ms. Tamanna Sahni on the 15th of May 2003 were very good and have been approved, barring a few minor changes which have been stated here under. Milord, this letter was not shown to the defense along with all the other evidence presented by the plaintiff's attorney. Ms. Kalyani, I think I will allow it. Thank you, Milord. Like to cite the judgment in AK Single versus B Lal 1998 A1 HC 2287, which rules that photocopy of a document is inadmissible as evidence. Milord, I would request the court to ask TJ Associate to present the originals from the records. Agli baar mujhe koi bhi document bhijwane se pehle TJ just make sure jiske haathon tum wo document bhej rahe ho wo uski photocopies nahi nikal raha. I just can't believe this at all. उस लेटर की कॉपी तरुण को तुमने दी थी? एक लेटर आपके लिए भी है, मेरा रेजिग्नेशन. समीर, तुम आ रहे हो ना? हाय तानिया. हेलो समीर. ओह यार, आई एम सॉरी यार, मैं आज आ नहीं पाऊंगा. What do you mean, यार? आज टैमी का जन्मदिन है. I'm sorry, तानिया. बात ये है कि मैं और सोनाली, we are planning to have a baby. और अभी मुझे लगता है कि it's better मैं हर टाइप के इन्फेक्शन से दूर रहूं. Please understand and convey my wishes to Dad. डिनर लगा दूं? सैम का इंतजार करते हैं? मुझे नहीं लगता वो आएगा. नहीं, मैंने जब फोन किया तो he said he will call back in 2 minutes. हाँ. उस 2 मिनट के अब 3 घंटे हो चुके हैं. अरे थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं यार. आई नो वो नहीं आएगा, इस डर के मारे कि टैम के पास आने से उसे एड्स ना हो जाए. टाडा. हाय. हाय. Happy birthday. Thank you. तुम्हें कैसे पता चला? Oh, तुमने बताया नहीं, लेकिन मैं जान लेता हूँ. I'm your lawyer after all, you know, it's my job. रोजी भी यहीं पे है. Hi, Rosie. Hi. Hi, baby. This is Guri. Hey. Hi, how are you? Good. Nice to meet you. Cheer up. Okay? So, Rosie, I believe you just started your 50th job. Congratulations. Golden Jubilee manaye. Ha ha. By the way, Rosie, तुमने मुझे तमन्ना का केस दिलवाया, मुझे तुम्हें कमीशन तो नहीं देना पड़ेगा ना? Shut up यार, just win the case for Tam. समझ लो कि वही मेरा कमीशन है. ओह, वो तो जीत जाएगी, उसकी आदत है. उसकी ऑफिस में इतने सारे अवार्ड रखे हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, क्योंकि जीतने के मामले में मैं जरा, you know. मैं जीतू या तुम, बात तो एक ही है ना. टैम, इसकी आदत है बात को वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ घुमाता रहेगा. इसका मतलब है कि शायद मैं अच्छा लॉयर बन सकता हूँ. गुड, आई स्टिल होप, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड. तो फिर कल 11 बजे? तमन्ना. हाँ? जब मैं अपने पहले केस के लिए जा रहा था और मिस्टर सत्संगी से मिलने गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है. एंड आई सेड आई हैव डन माय बेस्ट सर. उन्होंने कहा था कि क्लाइंट तुम्हें बेस्ट करने के लिए फीस नहीं देता, केस जीतने के लिए फी देता है. I guess what I'm trying to say is I've done my best in this case so far. Sirf best. Jitna main expect kar raha tha utne acche se present nahi kar paya apne witnesses ko. You know what, Tarun? Maine tumhe sirf saath ladne ke liye kaha tha. Jo tum kar rahe ho, isse zyada meri aur koi expectations ya hopes nahi. मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी.
क्या आपने मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम को अपने एब्सेंस के बारे में इन्फॉर्म किया था? किया था। पहले एक हफ्ते तो मैं शौक से निकल ही नहीं पाई। सुबह सर के काफ़ी कॉल्स आए पर मैंने अटेंड नहीं किए। फिर वो फाइनली मेरे घर पर चले आए मुझसे मिलने। उनको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने सुबह सर को अपनी एचआईवी रिपोर्ट के बारे में बताया। आपने मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम को क्यों बताया? अपनी पर्सनल बात किसी को ऑफिस में बताने की क्या जरूरत थी? सुबह सर मेरे लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयर या बॉस नहीं थे। पिछले 9 सालों से जब से मैंने उन्हें जाना है, उन्होंने मेरे हर परेशानी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, उस तरह से जिस तरह से शायद मेरे मम्मी डैडी ने दिया होता अगर वो जिंदा होते तो। सुबह सर ने मेरी लाइफ में उनकी कमी पूरी की थी। He was like a father figure to me. He was my hero. Your witness. Miss Tamanna Sahni, तुमने TJ Associates में काम करना कब शुरू किया? 1997 में। मैं और सुबह सर उससे पहले HDA में साथ काम किया करते थे। जब सुबह सर ने HDA छोड़ने का डिसीजन लिया, he asked me to join him and I agreed. क्या मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम तुम्हें HDA से ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहे थे? ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों ने ये डिसीजन क्रिएटिव इंडिपेंडेंस की वजह से लिया था। मैं जानती थी कि शुरू में उतनी इनकम नहीं होगी। और तुमने रिस्क लिया? इट वॉज वर्थ टेकिंग द रिस्क। ऑफकोर्स इट वॉज वर्थ टेकिंग द रिस्क। 3 साल के अंदर ही अंदर JNM और BSA जैसे बड़े अकाउंट्स TJ Associates के पास आ गए थे। तुमने कहा कि तुमने HDA अपनी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस के लिए छोड़ा था, राइट? राइट। क्या मिस्टर सुब्रमण्यम ने कभी तुम्हारी क्रिएटिव इंडिपेंडेंस को ओवरराइड या उसे दबाने की कोशिश की इन 7 सालों में? नहीं। मतलब जो प्रॉमिस मिस्टर टीजे सुब्रमण्यम ने तुम्हारे साथ किया था उसे पूरा किया? हाँ। पिछले साल BSA के बहुत बड़े कैंपेन के दौरान तुमने अचानक टीजे सुब्रमण्यम से कहा कि तुम्हें लीव चाहिए, उन्होंने तुम्हें मना किया? नहीं। तुमने लीव किस वजह से मांगी थी? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इररिलेवेंट, सस्टेन्ड। BSA के कैंपेन से ज्यादा जरूरी क्या था तमन्ना? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस कल्याणी, प्लीज स्टिक टू क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द केस। तुम्हें HIV इन्फेक्शन कैसे हुआ तमन्ना? तमन्ना जवाब दो, तुम्हें HIV इन्फेक्शन कैसे हुआ? उससे कभी पूछा नहीं उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं कि वो HIV पॉजिटिव है? उससे दोबारा कांटेक्ट नहीं हो सका। ओह, दैट्स रियली सैड, दैट्स टेरिबल। कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है, इतना सेल्फिश, इतना सेडिस्टिक। तुम्हें रोहित पर गुस्सा नहीं आया? तमन्ना? आया था, बहुत गुस्सा आया था, बहुत। और अब वही गुस्सा तुम
टीजे एसोसिएट्स पे निकाल रहे हो रोहित का गुस्सा? Finally, it wasn't worth taking the risk, was it? Mr. Subramaniam, आपने तमन्ना सानी को साथ काम करने का ऑफर क्यों दिया था? तमन्ना was a talented girl, और मैंने उसका काम देखा था। बाद में आपने अपनी कंपनी के प्रॉफिट में से उसे हिस्सा भी दिया, करेक्ट? जो क्लाइंट्स तमन्ना के काम से इंप्रेस होकर आते थे, उन क्लाइंट से आए प्रॉफिट का 20% तमन्ना को देता था। मिस्टर सुब्रमण्यम, इसका मतलब है कि आपने तमन्ना सहनी को साथ काम करने का ऑफर देके कोई गलती नहीं की थी? सर्टेनली नॉट, आई वॉज प्राउड ऑफ हर वर्क। लेकिन फिर तमन्ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, अगर चाहती तो बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन उसके इनडिसिप्लिन ने उसके काम को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। कैसे कह सकते हैं आप? उसके काम में डिलेस होने लगे, वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा अटेंशन दे रही थी। मिस्टर सुब्रमण्यम, क्या आप अपना हाथ अपने दिल पर रखकर यह कह सकते हैं कि आपने तमन्ना सानी को सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी? कोई और वजह नहीं थी? ऑब्जेक्शन लीडिंग सस्टेन्ड। प्लीज अपने आप को तमन्ना की जगह रख के सोचिए और बताइए, जो आपने किया क्या वो ठीक था? ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। नो, आई विल टेक दैट। आई लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर तमन्ना मेरी जगह होती और मैं उसकी जगह, तो मुझे खुशी होती अगर तमन्ना वही करती जो मैंने किया। ये कंपनी मेरा सपना है और मैंने जो भी किया अपनी इस कंपनी के लिए किया। रोहित मनचंदा, I didn't know.
तमन्ना, मैं जानता हूं कि तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कोर्ट केसेस में ऐसे होते रहता है। आज हम सिविल कोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मैं हाई कोर्ट में अपील नहीं करना चाहती। देखो, हम अगर तुम किसी और वकील के पास जाना चाहती हो, आई अंडरस्टैंड, मैं ये केस तुम्हारे लिए जीत नहीं पाया। रोहित वापस आ गया। लास्ट स्टेज पर है। I'm sorry. कुछ बोला उसने? कहा था अब तक? जब वो यहां था तो उसे पता नहीं था कि वो HIV पॉजिटिव है। वापस जाने के बाद उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराया तो पता चला एड्स का वायरस उसके पूरे बदन में फैलना शुरू हो गया। कुछ महीने वो अस्पताल में रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती, तो वो वापस आ गया। होप के अगेंस्ट होप के मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब निहारिका ने उसे बताया कि मैं, तो वो पूरी तरह से टूट गया। तरुण, आज जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता चला कि मैं कितना भी लड़ लूं, एक दिन मेरी भी हालत वही होगी जो आज उसकी है। मैं बहुत डर गई हूं तरुण। रोहित का यार मुझे देख लेगा। रोहित का यार देख लेगा। और मैं चिता देखती हूँ, मुझे एहसास होता है कि कर कर मैं भी ऐसी। मैं बेबी सिटिंग नहीं करता तरुण। तुम अगर यहां अपने केस हारने का रोना रोने आए हो तो आई एम सॉरी, चले जाओ। सो प्लीज सर, आई हैव लॉस्ट द केस। हैज द केस लॉस्ट यू तरुण? तुम्हारे पास अब भी हाईकोर्ट में अपील करने का चांस है। जज ने यह तो नहीं बोला ना कि तमन्ना इनएफिशिएंट थी? उनके ऑर्डर में साफ लिखा है कि तमन्ना इनएफिशिएंट नहीं थी, और टीजे उसके एचआईवी पॉजिटिव होने के बारे में जानता था।
हे तरुण, तुम जो प्रूव करना चाहते थे तुमने कर दिया। लेकिन सर, जज ने यह भी कहा है कि इस सब के बावजूद टीजे तमन्ना को जॉब से निकाल सकता है। टीजे ने लॉ के बाहर कुछ भी नहीं किया तो तमन्ना कॉम्पेंसेशन भी क्लेम नहीं कर सकती और ना ही वापस अपनी नौकरी पे जा सकती है। बात सिर्फ एक तमन्ना की नहीं है तरुण, बात तमन्ना जैसे बहुत सारे लोगों की है जिनके हेल्प के लिए इस कंट्री में कोई लॉ है ही नहीं। तुमको यह चांस मिला है ऐसे लोगों के लिए कुछ करने का और तुम्हारे पास। बकवास, डोंट डाई विद मी तमन्ना, जब तक ये जिंदगी है। अब ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। हेलो तमन्ना। हेलो लाल सर, तरुण। हाँ हाँ तरुण। सर आज हाई कोर्ट में तमन्ना की केस की हेयरिंग है। तमन्ना, मैं अनु हॉस्पिस से। रोहित की कंडीशन बहुत खराब हो गई है। आई एम कमिंग। हेयरिंग के बाद फोन करना, बताना कैसे गया। जी, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। जी सर। All the best. Thank you. Nisha.
मुझे छोड़ के जा रहे हो। Honorable judges, एक dedicated दिन रात मेहनत करने वाली लड़की, एक लड़की जिसने advertising industry के कई बड़े awards जीते हैं, और उसके HIV positive होने का पता चलते ही उसके boss में से TJ सुब्रमण्यम ने क्या किया? वही जो ज्यादातर लोग करते हैं। तमन्ना को अपने आप से जितना भी दूर हो सके उतना ही दूर करने की कोशिश। और क्यों नहीं, तमन्ना के साथ मैंने भी ऐसा किया था। क्यों? Because I was scared. I was scared because I was ignorant. HIV dangerous है, HIV से जान जाती है, लेकिन क्या HIV से जिंदगी जाती है? जिंदगी जीने का हक जाता है? अगर हां तो फिर क्यों हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं? लेकिन अगर HIV से सिर्फ जान जाती है, जिंदगी जीने का हक नहीं, तो फिर क्यों? क्यों हम तमन्ना साहनी और उसके जैसे लोगों को अपने से दूर करना चाहते हैं? Client Tamanna Sahni is HIV positive. और वो ये जानती है कि वो शायद इस बीमारी से बच ना पाए, लेकिन वो लड़ना चाहती है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। फिर हम उसे क्यों रोक रहे हैं? हम होते कौन है उसे रोकने वाले? Her condition does not stop her from carrying out her duties to the best of her ability, and may I add that she's extremely capable. अगर हमारे ऑफिस में कोई बीमार पड़ जाए तो हम थोड़ी ना उसे नौकरी से निकाल देते हैं, फिर एक HIV पॉजिटिव पर्सन को क्यों? हमें इन लोगों को अपनाना चाहिए, दरा की समाज से बाहर फेंकना नहीं चाहिए। हम क्यों उन्हें अपने पास जगह नहीं दे सकते, प्यार और इज्जत नहीं दे सकते? क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये लोग दुनिया से डर के छुपते रहेंगे, अपनी बीमारी छुपाते रहेंगे, और HIV ऐसे ही अनजान गलतियों से फैलता रहेगा। तमन्ना साहनी इज माई फ्रेंड एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आई विल स्टैंड बाय हर कम व्हाट मे। टुडे आई बीसीच यू द लॉ मेकर्स ऑफ दिस लैंड टू डू द सेम। स्टैंड बाय तमन्ना, गिव हर बैक हर लाइफ। Because in doing so, you not only help Tamanna, but the millions of people infected by this disease. And you help those very few thousands who fight every day, oh so very hard, in order to stop the spread of this virus. Thank you.
बादल जब घने हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हर तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन फिर कहीं से कोई एक हल्का सा हवा का झोंका शुरुआत करता है और एक बादल हटाता है। नीले आसमान का एक टुकड़ा दिखाई देता है और धीरे धीरे आसमान फिर खिल उठता है। हाय, That's your gift. Tamanna Sahani, new age businesswoman. Yes. Happy anniversary. ये तुम्हारे लिए रोहित। अरे बताना भूल गया। Nisha's expecting. Congrats. Yeah. Going to be a daddy already? Hey, you! Idiot. Tarun! I can't believe I'm actually saying all this.